माय चैनल एंड आज मैं अपने लिए लेके आई हूँ अटेस वेट की समरी। अटेस वेट एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखी गई थी। एंड ये जो कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये बेस है गलत फहमी पर। तो इसकी थीम है गलत फहमी। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। मौसम हो रहा होता है सर्दी का और सुबह सुबह का वक्त होता है। जो हमारे नरेटर है, यानी इस कहानी के नरेटर एक फादर, वो नोटिस करते हैं कि उनका जो 9 साल का बेटा है स्कैट्स, वो बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा होता है। सुबह का तो मौसम होता है ठंडा होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही शिवर कर रहा होता है, कांप रहा होता है, चेहरा उसका सफ़ेद हो रहा होता है और वो काफ़ी तकलीफ़ में लग रहा होता है। वो अपने बेटे से पूछते हैं क्या परेशानी है, तो उसका बेटा कहता है कि मुझे थोड़ा सा सर दर्द है। उसके पिता कहते हैं कि आप जाएँ और आप बिस्तर पर जाके सो जाएँ। लेकिन फिर भी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, और वो तैयार व्यार होके नीचे आ जाता है। यानी उनके जो बेडरूम्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और नीचे डाउनस्टेयर वो आ जाता है। अब उसके पिता नीचे आते हैं और देखते हैं कि जो उनका बेटा है वो फायर के पास बैठा हुआ है, फायर प्लेस के पास बैठा हुआ है और काफ़ी बीमार दिख रहा है। वो उस अपने बेटे का सर ऐसे सर पे हाथ लगा के देखते हैं और वो तभी कहते हैं अरे तुम्हें तो बुखार है, तुम जाओ और जाके ऊपर जाओ अपस्टेयर्स और आराम करो बेडरूम में जाके। बॉय मान तो लेता है अपने पिता की बात, लेकिन वो फिर भी कहता है कि वो ठीक है, उसे कुछ परेशानी नहीं। अब डॉक्टर आते हैं और वो अपस्टेयर्स जाते हैं और बॉय को देखते हैं उसके बेडरूम में, उसकी जांच करते हैं और वो बॉय का टेम्परेचर देखते हैं और कहते हैं अरे इसको तो 102 डिग्री बुखार है। अब वो नीचे आते हैं डॉक्टर और उसके पिता को कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि जो लड़के को इन्फ्लुएंजा है, माइल्ड इन्फ्लुएंजा, यानी हल्का फुल्का जैसे बुखार, सर्दी खांसी, जो सर्दियों में जो बुखार हो जाता है वैसा, और हल्का फुल्का दर्द है, जो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद जो ऊपर जाते हैं उसके पिता और उसको कहानियाँ पढ़ के सुनाते हैं। अपने बेटे को वो पायरेट्स की कहानी सुनाते हैं, यानी समुद्री लुटेरों की कहानी पढ़ के सुनाते हैं। अब जो उसके पिता नोटिस करते हैं कि जो उस लड़की का फेस है वो काफ़ी सफ़ेद हो रखा होता है और उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। जो उसके पापा पढ़ रहे होते हैं, उसे कहानी पढ़ के सुना रहे होते हैं, उसमें उस लड़की का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही वो सोना चाहता है। ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती अपने आप को जगा रख रहा है, ठीक है, सोने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। तभी वो अपने पापा से कहता है अगर आपको यहाँ रुकने का मन नहीं है, अगर यहाँ आपको रुकने में कोई परेशानी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अब उसके पिता कहते हैं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लड़का फिर कहता है अगर आपको यहाँ परेशानी है रुकने में तो आप जा सकते हैं। अब उसके पिता सोचते हैं शायद बुखार है, उसे थोड़ा सा दर्द है तो इसकी वजह से ऐसा बोल रहा है। तो उसके पिता उसे कुछ मेडिसिंस देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जिससे वो आराम कर सके। अब उसके पिता बाहर जाते हैं अपने कुत्ते को लेके और शिकार पे जाते हैं। अब सर्दी का तो मौसम होता है और पूरा लैंडस्केप, पूरे जो आगे की जगह होती है वो बर्फ़ से ढकी होती है, बर्फ़ की शीट पूरी फ्रोज़न होती है, सब चीज़ें फ्रोज़न होती हैं, जिसके वजह से वो 2 बार गिरते हैं। उसके बाद अब उन्हें तो शिकार करना होता है, फिर वो चिड़ियों को देखते हैं, लेकिन उन्हें 5 चिड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन वो शिकार एट दी 2 का ही कर पाते हैं। अब वो खुश होते हैं, चलो 2 चिड़ियाँ तो मिली। अब वो घर वापस आते हैं तो सुनते हैं कि जो उनका बेटा है वो किसी को अपने कमरे में आने नहीं दे रहा, और इसकी वजह ये है जिससे कि किसी को भी ये फीवर ना हो जाए, क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, फैलता है। अब जो पिता है वो अपने बेटे को देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी उनका बेटा वैसा ही है, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा है, रंग ही नहीं है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, फीवर अभी भी है और अभी भी ज़बरदस्ती जाग रहा है। तो अब जो पिता होते हैं अपने बेटे का टेम्परेचर देखते हैं और देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो है 102.4। तो पहले कितना था, पहले था 102 और अब हो गया 102.4। लेकिन वो सोचते हैं कि अपने बेटे को वो ना बताएं, इसलिए वो अपने बेटे को कम टेम्परेचर बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो 100 डिग्री बुखार है। तो लड़का कहता है अच्छा, तो डॉक्टर ने तो मुझे 102 कहा था। तो वो उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब उसके पिता कहते हैं ज़्यादा मत सोचो और आराम लो, सब ठीक हो जाएगा। अब उसके पिता लड़के को कुछ मेडिसिन देते हैं और लड़का पूछता है कि क्या इससे कुछ होने वाला भी है, क्या मैं ठीक हो जाऊँगा। तो पिता कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम ठीक हो जाओगे, और उसे फिर से पढ़ के सुनाने लगते हैं कहानी पायरेट्स वाली, यानी समुद्री लुटेरों वाली। फिर से वो देखते हैं कि जो उसका बेटा है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। उसके बाद जो लड़का होता है, उनका बेटा होता है, वो पूछता है अच्छा आपको क्या लगता है मैं कब मरने वाला हूँ।
उसके पिता एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम मरने नहीं वाले? बुखार से तो कोई नहीं मरता। और फिर लड़का बोलता है, अरे डॉक्टर ने तो कहा था कि 102 डिग्री बुखार है मुझे। तो उसके पिता फिर कहते हैं, अरे 102 डिग्री बुखार से कोई मरता नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि अरे मैंने अपने क्लासमेट से सुना है जो फ्रांस में थे, और वो कह रहे थे कि किसी को भी अगर 44 डिग्री से ज़्यादा बुखार होता है तो वो घातक होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा मर सकता है। तो जो पिता होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि जो उसके बेटे को कन्फ्यूजन हो गई है, गलत फहमी हो गई है। अब जो पिता होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं लड़की को कि जैसे दो अलग अलग कंट्री में जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। जैसे जो तुम बात कर रहे हो वो सेल्सियस की बात कर रहे हो, उसमें 37 डिग्री नॉर्मल होता है, और यहाँ हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं थर्मामीटर का वो है फ़ारेनहाइट, और उसमें 98 नॉर्मल होता है। तो उसके पिता कहते हैं, ये तो ऐसे ही बात होगी जैसे हम मील और वर्सेस किलोमीटर, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके बाद लड़के को बहुत अच्छा फील होता है, वो ओह करके काफ़ी रिलैक्स फील करता है, एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। सो यहाँ छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से उस लड़की ने सोच लिया कि वो मरने वाला है, और कंफ्यूजन क्या था? टेम्परेचर्स का। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कमेंट्स में आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।